अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कवरेज। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको हम हैदराबाद का मशहूर पार्क रानी बाग दिखाएंगे और हैदराबाद के की खूबसूरती दिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। हैदराबाद जाते हुए रोड पे ये जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और कहीं कहीं जगह पे ग्रीनरी है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है और इसने तो शहर को और खूबसूरत बना दिया है। इधर ये मेरा भतीजा पीछे बैठ के एंजॉय कर रहा था हमारे साथ। इसको बैठना नहीं आ रहा था और ये खड़ा हो गया और इसको व्यू देखने का बड़ा शौक होता है। अभी हैदराबाद के छोटे छोटे कुछ रेस्टोरेंट्स आ गए हैं करीब हमारे सिटी जामशोरों को। पहले तो इधर कुछ नहीं बना हुआ था, अभी शादी हॉल्स वगैरह और कैफे वगैरह इधर ही आ गए हैं। हम लोग अभी पहुंचने ही वाले थे रानी बाग और मेरी भतीजी ने वहाँ से झूले देख लिए थे, इसलिए वो तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि वो पहचान गई थी कि हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद रानी बाग के गेट पर पहुंच गए थे और इधर गाड़ी पार्क कर रहे थे। उसके बाद ये बहुत नाच रही है खुशी से क्योंकि ये इसकी फेवरेट जगह है और इधर बहुत सारे झूले हैं, जानवर हैं, इसलिए ये जगह इनको बहुत पसंद आती है। ये रानी बाग का गेट जहाँ से टिकट वगैरह ली जाती हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे थे भाई का, वो टिकट लेने गया था। उसके बाद टिकट लेके हम लोग एंटर हो चुके थे और ये अपने पापा के साथ भागती भी जा रही थी। बहुत ही एक्साइटमेंट थी इसे रानी बाग में एंजॉय करने की। ये बहुत खुश होती है रानी बाग जाके क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा झूले खाती है और झूले से उतरती ही नहीं है। रश बहुत था इधर लोगों का क्योंकि अभी जो है ना छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह भी लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले इधर इतना कुछ था नहीं तो अब थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इसलिए बच्चों के लिए तो ये बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ पे खुला माहौल होता है और बहुत ही पुरसकून हवा चल रही होती है। बहुत ही प्यारे प्यारे झूले होते हैं और वहाँ पे बच्चे एंजॉय करने आते हैं। हम लोग सिर्फ इस छोटी की ख्वाहिश पे गए थे क्योंकि इसका बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि चले रानी बाग, चले वहाँ पे मुझे झूले खाने हैं। यहाँ पर ये देखिए स्टॉल्स लगा दिए इन्होंने, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा दिए हैं, हर चीज़ के स्टॉल्स थे। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मेरी भतीजी इन झूलों पर चढ़ने गई थी। उसके बाद इधर ही चुप करके खड़ी हुई थी और पता नहीं क्या सोच रही थी। जिस
लोग खेल रहे थे, ये रिंग डालते हैं सामान पे और जिस पे पड़ी और वो प्राइज़ आपको मिलेगा। तो इसमें मैंने, मेरी भाभी ने और मेरे भाई और मेरी सिस्टर ने, हमने अपने निशाने लगाए। मेरा और भाभी का लग गया था लेकिन भाई और बहन का एक भी नहीं लगा। खैर ये तो एक किस्म का फ़न था, हमने जस्ट फ़न के लिए किया था। ये मेरी भतीजी को प्राइजेस मिले थे जो हमने जीते। उसके बाद इसने ये सींक लिए थे और ये बहुत खुश हो रही थी, अपने पापा को कह रही थी कि मुझे सींक लेने हैं, ये कलर, ये जो बत्तियों वाले हैं। पहले तो खेल रही थी लेकिन बाद में बहुत डरी इससे। उसके बाद हम लोग आ गए थे मिर्ची 360 में, घूम फिर के खाना वगैरह खा के अब हम जा रहे थे वापस घर को। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।